नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कंपनियों को दिवालिया कानून से 3 महीने और मिली राहत। आईबीसी की धारा 7, 9 और 10 के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर लगी रोक आज से 3 महीने के लिए बढ़ी। कर्ज भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ 6 महीने तक दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने पर 25 मार्च को लगी थी रोक। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आज से प्रभावी। एमसीआई की ली जगह। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। 1 साल के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते में 30% कटौती का प्रस्ताव करने से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। भारत और चीन को बैठकर सीमा विवाद का खोजना होगा समाधान। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। विदेश मंत्रालय ने कहा सीमा विवाद के सभी क्षेत्रों में पूर्ण शांति के लिए विचार विमर्श जारी रखने के साथ साथ यथास्थिति बदलने की एकतरफा कार्रवाइयों से बची चीन। देश में कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने की दर में तेजी से बढ़ोतरी। बीते 6 दिन में नए मामलों की तुलना में ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी दर 81.50 के पार। ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म ने शुरुआती 6 महीने में 3 लाख टेली परामर्श किए पूरे। भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचारों के साथ उन्होंने देश को प्रगतिशील विचारधारा देने का किया काम। सरकार ने कॉरपोरेट जगत को बड़ी राहत देते हुए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता कानून यानी आईबीसी के प्रावधानों को और 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है और इसमें कहा गया है कि आईबीसी की धारा 7, 9 और 10 के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर लगी रोक को 25 सितंबर से और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आईबीसी की धारा 10A के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईबीसी की धारा 7, 9 और 10 पर और 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। ये कारोबार बचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही इससे कंपनियों को वित्तीय संकट से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। संसद ने बीते मानसून सत्र में इससे जुड़े 2 संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद यानी एमसीआई का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी को लाया गया है जो आज से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की धारा 60 की उपधारा 1 के अनुबंधों के अनुसरण में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को 25 सितंबर 2020 से निरस्त किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत गठित भारतीय चिकित्सा परिषद के सुपर सेशन में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 3 का के तहत नियुक्त शासी मंडल भंग हो जाएगा। मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को मानसून सत्र में संसद की मंजूरी मिली थी। कोरोना महामारी से पैदा हालात के मद्देनजर मंत्रियों के सरकार भत्ते को 30% कम करने के उद्देश्य से 9 अप्रैल को मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया था। कानून बनने के बाद विधेयक ने इस अध्यादेश की जगह ली। इसके जरिए 1952 के कानून की धारा 5 में संशोधन किया गया है जो 1 वर्ष की अवधि के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते में 30% की कटौती का प्रावधान करता है।
कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए ऐसा किया गया है और ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना महामारी के दौर में पूरे हुए 252वें सत्र में राज्यसभा लोकसभा सचिवालय की भूमिका की सराहना की है। 252वें सत्र के दौरान हुए कामकाज को लेकर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सभापति ने राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया कि कोरोना पॉजिटिव निकले कर्मचारियों की देखरेख में कोई कसर ना छोड़ी जाए। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानून से किसानों की जिंदगी में बदलाव आएगा। संसद ने मानसून सत्र में कृषि सुधार से जुड़े 3 विधेयकों को पारित किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक क्रांतिकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कानून में बदलाव लाए बिना किसानों का कल्याण संभव नहीं था। साथ ही कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कभी कानून का हिस्सा नहीं रही। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि उनके पास सरकार की आलोचना करने के लिए कुछ नहीं है। APMC की जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था उसको मुक्त करने वाले हैं, आजाद करने वाले हैं, और जो छोटा किसान है उसे भी अपने उत्पादन की बुआई के समय गारंटी मिल सके और वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके और साथ ही साथ वह निजी निवेश को अपने तरफ आकर्षित कर सके। इस दृष्टि से ये दोनों बिल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। भारत और चीन को बैठकर सीमा विवाद का हल खोजना होगा। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की कूटनीति के लिए बड़ी चुनौती ये है कि वो कैसे एक दूसरे की वृद्धि को समायोजित करते हैं। इंडिया एंड चाइना कंसर्न्ड, इट्स इंपॉर्टेंट दैट दे अंडरस्टैंड द नीड टू अकोमोडेट ईच अदर्स राइट्स। I mean, clearly, they will have some common interests and many interests which are more individual or nationally centered. And that process of how to adjust to each other when both of them are rising, I mean, to my mind, is one of the big issues in the diplomacy of both countries. Now, the border issue happens to be one part of that problem. You are right. I mean, we are going through a very, in a sense, an unprecedented situation. If one looks at it, you know, from a somewhat longer term, I would say this is one facet of a larger phenomenon for which both India and China have to sit down and find a solution. भारत ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के सभी क्षेत्रों में शांति के लिए विचार विमर्श जारी रखने के साथ साथ यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कार्रवाइयों से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों ने वरिष्ठ कमांडरों की अगली बैठक जल्द बुलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि परामर्श और सहयोग के कार्यतंत्र की अगली बैठक बहुत जल्द होने वाली है। इस महीने की 21 तारीख को मॉल्दो में भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडरों की 6वीं बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने किसी गलतफहमी और अनावश्यक निर्णयों को दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। The sixth meeting gave the senior commanders an opportunity to have candid and in-depth exchanges of views on stabilizing the situation along the LAC. The two sides have also decided to strengthen the ground communication to avoid any further misjudgments. Stop sending more troops to the front line, refrain from unilaterally changing the situation on the ground, and avoid taking any actions that may complicate the situation. The way ahead
will be to refrain from making any attempts to unilaterally change the status quo while the two sides continue their discussions to achieve complete disengagement in all friction areas to ensure full restoration of peace and tranquility in the border areas. In this regard, the two sides have also decided to have the next meeting of the senior commanders at the earliest. In parallel, the next meeting of the WMCC is also likely to take place soon. गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान के फैसले की भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया इस पर दी है और भारत का कहना है कि सेना के कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति बदलने के किसी भी काम का कोई कानूनी आधार नहीं है। वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। We have seen the statements by the Pakistani leadership and media reports in this regard. Any action by Pakistan to alter the status of the militarily occupied so-called Gilgit-Baltistan has no legal basis whatsoever and is totally void ab initio. Our position has always been clear and consistent. भारत ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद सार्क देशों के बीच सहयोग के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद उसे बढ़ावा देने वालों और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ मिलकर कदम उठाने होंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक ये कदम नहीं उठाए जाते सार्क संगठन की पूरी क्षमता का फायदा नहीं मिल सकता। विदेश मंत्री ने इस मौके पर भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी यानी पड़ोसी को प्राथमिकता की नीति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में इस नीति के तहत भारत ने मालदीव को $150 मिलियन, भूटान को $200 मिलियन और श्रीलंका को $400 मिलियन का करेंसी स्वैप सपोर्ट दिया। इस मौके पर विदेश मंत्री ने COVID-19 से निपटने में दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इन द मीटिंग देयर वाज अ रिव्यू ऑफ रीजनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट द COVID-19 पेंडेमिक And in the country statements, participants appreciated the leadership of PM in convening the video conference of SAARC leaders on the 15th of March this year to take collaborative measures towards combating the COVID-19 pandemic in the region. खबरों का सिलसिला जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। मधुबनी चित्रकारी मिथिला की लोक कला और बिहार की पहचान, प्रकृति और पौराणिक गाथाओं से सराबोर,
चटकीले और मटियाले रंग बनाएं चित्रों को खूबसूरत। देवी देवता, पशु पक्षी, फूल और पत्तियां, दो तरह की होती हैं तस्वीरें, भित्ति चित्र और अल्पना। पहले कच्ची मिट्टी की झोपड़ियों पर होती थी चित्रकारी, अब कागज, कपड़े और कैनवास पर उतरी ये शानदार कलाकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे शनिवार यानी 26 सितंबर को मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात वर्चुअल होगी। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री राजपक्षे ने ट्वीट के जरिए आशा जताई कि दोनों देश राजनीतिक, कारोबारी, रक्षा, पर्यटन और आपसी सहयोग के दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनके ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात को लेकर अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि हमें कोविड-19 के बाद के माहौल की रणनीतियां तैयार करने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के रास्तों पर विचार करना होगा। वर्चुअल बायलैटरल समिट व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड अंडर चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस पोस्ट बाय कोविड-19 पैंडेमिक टेस्टिफाइज टू द डीप रूटेड सिविलाइजेशनल टाइज एंड हेरिटेज बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्रीज। दिस इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ आर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एज वेल एज द सागर डॉक्ट्रिन। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 81.55% हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 87,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 46,74,000 से अधिक हो गई है। बीते 6 दिन में नए मामलों की तुलना में ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। पिछले एक दिन में 86,508 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 57,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 9,66,000 का इलाज चल रहा है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की रणनीति से कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है जबकि मृत्यु दर कम हुई है। वहीं ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 13,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,74,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को उत्तर प्रदेश में अनुमति मिल गई है। वैक्सीन का ट्रायल लखनऊ और गोरखपुर में भी हो रहा है। अक्टूबर में लखनऊ में SGPGI और गोरखपुर में भारत बायोटेक के साथ BRD मेडिकल कॉलेज ट्रायल को लीड करेगा। वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग ने 5 राज्यों को ओपन मार्केट बोरिवरिंग OMB के माध्यम से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा। इन राज्यों की ओर से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ये अनुमति दी गई है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई 2020 में राज्यों को वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के 2% के अतिरिक्त उधार की अनुमति दी थी। आयकर विभाग आज से फेसलेस इनकम टैक्स अपीलों को लागू कर रहा है। वित्त सचिव के मुताबिक कर अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत के बिना अपीली अधिकारी की मदद करने के लिए लंबित अपीलों और मामलों को एक तकनीकी इकाई के साथ हल किया जाएगा। इससे पहले आयकर विभाग ने 13 अगस्त से सभी करदाताओं के लिए पैन इंडिया फेसलेस मूल्यांकन सुविधाओं की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को ऐलान किया है कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए 1 अक्टूबर को 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ इनकी एक साथ खरीद बिक्री करेगा। नीलाम के परिणाम उसी दिन जारी कर दिए जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वो लिक्विडिटी और बाजार की परिस्थितियों पर नजर बनाए रखेगा और वित्तीय बाजारों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना जारी रखेगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष आने वाले साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए 5 सूत्रीय वाले रणनीतिक दृष्टिकोण गार्ड को सामने रखा। रिजर्व बैंक ने अपने दस्तावेज शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020
2023 में कहा कि साइबर घटनाओं और हमलों की संख्या, आवृत्ति और प्रभाव हाल के दिनों कि में कई गुना बढ़ गया है और इसलिए जरूरी है कि साइबर हमलों से बचाव, उनकी पहचान, प्रतिक्रिया और उनसे उबरने के लिए यूसीबी की साइबर सुरक्षा को विस्तृत बनाया जाए। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निजी निधि योजना के अंतर्गत अब तक 15 लाख से ज्यादा कर्ज आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 5.5 लाख से ज्यादा आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है और लगभग 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को गारंटी मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज डॉक्टर विक्रम साराभाई जन्म शताब्दी कार्यक्रम में विशेष तौर पर अपना संबोधन देंगे। इसरो प्रमुख के सिवन और इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन भी समारोह को संबोधित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष 2019-20 के दौरान मनाया गया। अगस्त 2019 में इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से साल भर विक्रम साराभाई शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 106 से ज्यादा जगहों पर देश भर में स्मारक व्याख्यान, छात्र प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक सतीश धवन की आज 100वीं जयंती है। 1920 में श्रीनगर में जन्मे सतीश धवन को उनका देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक सतीश धवन जन्म शताब्दी मनाने के लिए आज एक वर्चुअल समारोह भी आयोजित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सतीश धवन को विक्रम साराभाई के बाद देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो इसरो के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। सतीश धवन के प्रयासों से ही संचार उपग्रह इनसैट, दूर संवेदी उपग्रह IRS और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का सपना साकार हो पाया। 3 जनवरी 2002 को उनका निधन हुआ था। उनके सम्मान में श्रीहरिकोटा के भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नंगला चंद्रभान गांव में हुआ था। इस अवसर पर बीजेपी देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्श हमें गरीबों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने की प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि जनसंघ के संस्थापक सदस्य, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और प्रखर विचारक श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनके द्वारा प्रदान की गई एकात्म मानववाद और अंत्योदय की प्रगतिशील दृष्टि संगठनात्मक कार्यों की नींव है और हर कार्यकर्ता का पथ प्रदर्शन करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय राजनीति के पुरोधा, बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों की रक्षा और संरक्षण के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचारों के साथ उन्होंने देश को एक प्रगतिशील विचारधारा देने का काम किया। एक उत्कृष्ट संगठनकर्ता के रूप में दीनदयाल जी ने जो वैकल्पिक राजनीति की नींव रखी, वो आज देश के गरीब, वंचित और शोषित वर्ग के विकास की मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन भर अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं।
वो राष्ट्रवादी तो थे ही, इसके साथ ही साथ भारतीय राजनीति के पुरोधा भी थे। दीनदयाल की मान्यता थी कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। एक नजर उनके जीवन सफर पर। भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को ब्रज के पवित्र क्षेत्र मथुरा जिले के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय इंटरमीडिएट की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास करने के बाद बीए की शिक्षा के लिए कानपुर आ गए, जहां 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के सृजन के लिए गोलवलकर से आदर्शवादी और देशभक्त नौजवानों को उपलब्ध कराने के लिए सहायता मांगी। इस राजनीतिक घटनाक्रम में पंडित दीनदयाल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 21 सितंबर 1951 को उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया और नई पार्टी की राज्य इकाई भारतीय जनसंघ की नींव डाली। 1955 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बन गए। पंडित दीनदयाल में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था। समय बीतने के साथ भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा में वो दिन भी आया जब 1968 में विनम्रता की मूर्ति इस महान नेता को दल के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित किया गया। लखनऊ में उन्होंने राष्ट्रधर्म नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की और राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक एकात्म मानववाद है, जिसमें मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं और सृजित कानूनों के अनुरूप राजनीतिक कार्रवाई के लिए एक वैकल्पिक संदर्भ दिया गया है। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आकस्मिक निधन हो गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।